अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ क्रॉकेट्स बनाने की रेसिपी। ये कोरियन स्ट्रीट फूड है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये क्रॉकेट्स बनकर तैयार होते हैं। बाहर से ये जितना क्रिस्पी होते हैं, अंदर से उतना ही क्रीमी होते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। क्रॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इन वेजीज़ को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सबसे पहले हम इन आलूओं को जो हमने बॉयल करके रख लिया था, इसे छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। यहाँ हमने रेड और येलो शिमला मिर्च लिया है। अगर आपके पास ये दोनों भी शिमला मिर्च नहीं है तो आप ग्रीन शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट टेस्ट सेम होता है। तो हम दोनों शिमला मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ हमने आलू, शिमला मिर्च और प्याज सभी वेजीज़ को बारीक काट लिया है। हम सभी सब्जियों को इस तरह से काट लेंगे। अब चलते हैं इन सब्जियों को मैरिनेट करने का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एक बॉल ले लेते हैं। हम डालेंगे इसमें एक कप क्रीम। क्रीम मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून दही, मेयोनीज़ 1 टेबल स्पून, आप कोई भी मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है। हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट। इसमें हमने 5 हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर मिलेगा हमें। हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर पाउडर। अगर जिंजर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप अदरक को ड्राई पेस्ट बनाकर ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम टेस्ट सेम रहेगा। हम डालेंगे नमक, नमक आप अपने जायके के हिसाब से रखें। ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड की हुई वेजीज, इनको हमने बारीक काट लिया था। सबसे पहले हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, फिर कटी हुई प्याज और फिर आलू डाल देंगे। सभी सब्जियां इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। सभी सब्जियों को हमने अच्छे से ऐड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पनीर, जो कि 100 ग्राम है। हमने इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हम इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियाँ अच्छे से एक साथ हो जाएँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा चीज़ क्रॉकेट्स बनाने का जो बैटर है वो परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इस पे इसे अप्लाई करेंगे ब्रेड पर। हम ब्रेड की स्लाइसेस को ऐसे रख लेंगे 1 बाय 1। अब हम उस पे बैटर का डो रखेंगे। सभी ब्रेड स्लाइसेस पर बैटर का डो रखेंगे। ये हमने चीज़ लिया है, इसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके ऊपर हम एक एक चीज़ की स्लाइसेस रख देंगे। अगर आप चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा स्लाइसेस रख सकते हैं और ब्रेड स्लाइसेस रख कर हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, सैंडविच की तरह बना लेंगे। सभी ब्रेड स्लाइसेस को हम ऐसे ही बना लेंगे। सभी ब्रेड स्लाइसेस ऐसे बन के तैयार हो गया। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इससे पहले हम इसका बैटर बना लेंगे। हमने लिया एक बॉल, उसमें हम ऐड करेंगे मैदा 1 कप, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे एक अच्छा स्मूथली बैटर बनाएंगे ताकि क्रॉकेट्स पर आसानी से कोट हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा बैटर उतना ही स्मूथली बनकर तैयार होगा। ये हमारी सैंडविचेस तैयार हैं, बैटर तैयार है और ये हमने लिया है ब्रेड क्रम्स। हमने 6 से 7 स्लाइस को ग्राइंडर में पाउडर बना लिया है ब्रेड को। ये हम सैंडविचेस पे
कोट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले हम इसे बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाकर कोट करके फ्राई कर लेंगे। इससे पहले हम तेल ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसे फ्राई करेंगे। तेल ऐड कर दिए हैं, जब तक हमारा ऑयल हीट हो रहा है तब तक हम ब्रेड क्रॉकेट्स को कोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैटर जो तैयार किए थे, मैदा, नमक और लाल मिर्च, काली मिर्च डालकर पाउडर, उस बैटर में हमें ब्रेड की स्लाइसेस को डिप करना है। चारों तरफ से अच्छे से डिप करके फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करना है। हमें बहुत अच्छी तरह से कोटिंग करना है। अच्छे से कवर हो जाए। ये हमें सभी क्रॉकेट सैंडविचेस को अच्छी तरह से कोटिंग करके रेडी कर लिया है। यहाँ मैंने 4 पीसेस रेडी किया है, इसको मैं फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने इसे बैटर पे डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग किया है और इसको अच्छे से तैयार कर लिया है। हमारा यहाँ ऑयल हीट हो गया है, हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे जब तक इस सैंडविचेस का कलर गोल्डन ना हो जाए। उसकी साइड चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे हमारी सैंडविचेस गोल्डन हो गई है, हम इसे निकाल लेते हैं ऑयल से। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे चटनी केचप के साथ इंजॉय करें, अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं। वैसे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।